करण, तुम्हारी एनालिसिस के हिसाब से राकेश के साथ क्या हुआ होगा? सर, राकेश ने उस आदमी को स्पॉट किया होगा जब वो रेस्टोरेंट में था और उसका फोन डेड हो गया होगा। इसीलिए उसने सीसीटीवी कैमरा में लुक दिया और हमें सिग्नल दिया कि उसका फोन डेड हो गया है, और ऐसा सिग्नल जो आम आदमी ना समझ सके। और सेटिंग के बाद उस आदमी का मकसद जानने के लिए उस डेड फोन को बैग में रख के बैग को वहीं पे छोड़कर उस आदमी के पीछे चला गया, और वहीं पे सर उस आदमी ने राकेश को मार दिया और उसकी बॉडी पानी में फेंक दी। राकेश की मौत इस समंदर में हुई है सर। हाँ, चलो करण, मानो तुम्हारा एनालिसिस करेक्ट है, लेकिन मेरा एक सवाल है कि राकेश उस बोट तक पहुंचा कैसे, और अगर वहां पहुंचा भी तो उसे अपने तरफ आते हुए खतरे को भांप लेना चाहिए। उस खतरे को भांपने के लिए ही राकेश वहां पे रुक गया था। यू नो राकेश सर, जब तक काम खत्म नहीं हो जाता वो चैन से बैठता नहीं था। खतरा क्या है, कितना बड़ा है, उसको जानने के लिए वो वहां पे रुका हुआ था, और वहीं पे सर उसको मार दिया गया। सर, पानी में उस जगह पे सिर्फ 2 लोग आ सकते हैं, कोस्ट गार्ड या फिशरमैन। करण, उस बोट और उन फिशरमैन की थरो इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। हाँ ऐसा, पर सर एक प्रॉब्लम है, फिशरमैन कॉलोनी में जाना इतना आसान नहीं होगा। वो किसी की नहीं सुनते, हमें मुंबई पुलिस का सपोर्ट चाहिए। ठीक है करण, मैं मुंबई पुलिस से बात करता। करण, जो कुछ भी उस आदमी तक पहुंचना बहुत जरूरी है। उस आदमी का मकसद क्या है ये बात सिर्फ राकेश जानता था, जिसकी वजह से उसे अपनी जान गंवानी पड़ी। सर, राकेश की वीरगति बर्बाद नहीं जाएगी। सर, अफसोस यह है कि उसे तिरंगा नसीब नहीं हुआ। सर, हम भारत माता के बेटे हैं, सर कटा सकते हैं लेकिन झंडा झुकने नहीं देंगे। जयंत सर। जयंत, थैंक यू फॉर योर सपोर्ट सर। इतनी जल्दी एक्शन लेने से हमें हेल्प मिलेगी। दिस इज मुंबई, इंडिया, एंड दिस इज माय ड्यूटी। ताज पर जब हमला हुआ था तब 100 से ज्यादा लोग मारे गए थे। तब से मुंबई पुलिस सतर्क है। अब इससे आगे मुंबई पर हमला नहीं होने देंगे। थैंक यू सर। हमें एक्चुअली एक ऐसे ऑफिसर की जरूरत है जिसका नेटवर्क काफी स्ट्रांग हो यहाँ पे, जो हमारे लिए कुछ दरवाजे खोल सके। वही करेगी सर। सेंडर इन। जयंत सर। जयंत। कमांडर। यस सर। मीट एसीपी रचना मात्रे। शी इज वेरी गुड एट एवरीथिंग दैट शी डज। रचना, आज से तुम इनके साथ इस केस पर काम करोगे। इस कमांडर करण सक्सेना। यस सर। रॉ चले कमांडर जी। यस सर। जयंत। जयंत। जयंत सर। जयंत। देखिए कमांडर करण सक्सेना के सारे एपिसोड्स फ्री में डिज्नी प्लस हॉटस्टार के मोबाइल ऐप पर। अगर आईएसआई आया है तो हमें, अगर बॉडी बाउचा धक्का पर तैरते हुए आई है तो वो कहाँ से आई होगी? कुलाबा या वर्ली के मछुआरे। और अगर हमें वहाँ जाना है तो फिर हमें थोड़ा ढंग से जाना पड़ेगा, क्योंकि क्या है वो वर्दी से नहीं इंसान से बात करते। मैं अभी आई। कहाँ पे? रुको रुको मैं अभी। मेरे बाइक पे चलते हैं। लड़के को अपने बाइक पर बिठाने के बड़े चर्चे सुने हैं मैंने तुम्हारी पूरी कुंडली निकाली है मैंने कमांडर करण सक्सेना। और वैसे भी ये रचना हर किसी के पीछे नहीं बैठती, हिम्मत वाला चाहिए। मेरे कार से चलते हैं। सर ने बोला मुझे कोई जावेद नाम का पाकिस्तानी टेररिस्ट मेरे मुंबई में घुसा है। वो जहाँ भी हो ढूंढ लेंगे उसे, और कुछ भी हो जाए मैं मेरी मुंबई पर आज तक नहीं आने दूंगी। आइए मैडम, देख रहा था मैं। क्या बात है, आज भी वही टेंशन है। बताइए क्या सेवा कर सकता हूँ? एक बॉडी मिली थी यहाँ से 8 किलोमीटर दूर। बॉडी तैरती हुई आई है बीच पानी से। इनका साथीदार था, ये भी पुलिस में ही है। अच्छा। ए सुन भाई, कल रात को जो बोट लेके गया था ना, सबको बुला ले। किसी को भी कुछ भी पता है प्लीज मुझे बताइए। अरे नहीं सर, हम लोग तो सुबह लौट आए, हम लोगों ने कुछ नहीं देखा है सुना। कह रहे तुम भगीरथ का चलो। हाँ साहब, एक बोट वापस नहीं है, बाला। अरे हाँ बाला, अरे सकाळपासून दिसलाच नाही आपल्याला। काय रे ये बाला कहाँ मिलेगा कुछ पता है? अरे सर बाला है वो, एक नंबर का बेवड़ा है वो नहीं आएगा, उसका इंतजार मत करो। अरे पर कोई तो होगा ना जो उसके बारे में बता सके कि कहाँ है वो। हाँ है ना, उसके दोस्त लोग है जिनके साथ वो खाता रहता है। मुझे बाला का नंबर चाहिए साहब। वो पानी में होगा तो उसके फोन को रेंज नहीं होगा। त्याच्या फॅमिली बद्दल काही माहिती आहे का? शादीशुदा आहे क्या वो? घर कुठे आहे त्याचं? मॅडम एकटा आहे तो, फैमिली नहीं है उसका। ये इधर पास में ही रहता है, लेकिन अभी ना घर पे ताला पड़ा होगा। साहब आप टेंशन मत लो, थोड़ी देर में बाला आ जाएगा इधर। और साहब बाला अच्छा इंसान है साहब। हाँ दारू के चक्कर में गलत काम करता है, लेकिन इंसान अच्छा है। ठीक है, तो जसा येईल ना तसा कळव आम्हाला। शंभू माझा नंबर दे त्यांना। वैसे ये राकेश था कौन? रॉ का सबसे काबिल एजेंट, देश की सेवा करते हुए वीरगति को प्राप्त हो गया। मेरे बड़े भाई जैसा था, मेंटोर था, दोस्त था। किसी का भाई था, किसी का बेटा था, किसी का बाप था। चले वो छोले भटूरे किधर गए? काय झालं? हे बघ घाबरू नकोस, मी पोलीस आहे, मी करेन तुझी मदत. काही सांगायचं आहे का? क्या हुआ? नाम क्या है तेरा बता. मैं मिली, शंबू की बेटी हूँ, और जिसको आप लोग ढूंढ रहे हैं बाला. हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, लेकिन इधर किसी को पता नहीं है. मेरा बाबा मतलब शंबू बाला को फंसाना चाहता है. मैडम उसको कुछ मत बोलना. देखो घबराने की कोई जरूरत नहीं है, तुम दोनों को कुछ नहीं होगा, आई प्रॉमिस. तुम और क्या जानती हो उसके बारे में? खुल के बताओ, डिटेल में बताओ. कल रात समंदर में जाने से पहले बाला, ये बाला, अरे कशाला बोलवलेस मला इथे? अब बाबा येईल ना मारेल तू. मिली इधर आ, तेरे को कुछ बताने का है. क्या है? पैसा. मेरे 5 दिन की कमाई है, एक आदमी ने दिया है. मछली वछली नहीं पकड़ने का है, बोला किसी के ऊपर नजर रखने का है, थोड़ा टाइम उसके साथ जाने का है. ऐसा ही पैसा कमाएगा तेरा बाला. लेकिन लेकिन वेकिन कुछ नहीं, तू टेंशन नहीं लेने का, खाली ये पैसा संभाल. ये ले मिली, I love you. बाला loves मिली. मुझे डर लग रहा है, उसने कुछ कांड नहीं किया ना, लेकिन बाला कुछ नहीं कर सकता. मैडम उसका मिली मुझे बचा लो. थैंक यू सो मच, तुम्हारी ये इन्फॉर्मेशन बाला को बचा सकती है. हम पूरी कोशिश करेंगे. हे बघ तू नको काळजी करूस, आम्ही शोधू बालाला. आमच्या दोघांचा नंबर देऊन ठेवते, तू काही कळलं तर लगेच कळ. ठीक आहे? थैंक यू ताई. डोंट वरी. जयंत सर, सर वी नीड कोस्ट गार्ड सर. फ्लोटिंग बोट को ढूंढना है और शायद एक डेड बॉडी भी हो. मैंने सिटी के सारे एंट्री पॉइंट्स और हर एक चेक में से सीसीटीवी फुटेज मंगवाएगी, ताकि हमें पता चल सके ये पाकिस्तानी टेररिस्ट मुंबई में घुसा कैसे. मुझे पक्का डाउट है, शहर में घुसने के लिए उसने इसी कार का इस्तेमाल किया है. इस ब्लैक कार का फोटो राकेश के फोन पे भी मिला था. हर नाके पे, बस, एयरपोर्ट, ट्रेन, हर जगह इसकी चेकिंग लगवाई. जयंत, उस कार के बारे में पता करने बोला था, क्या हुआ उसका? सारे कैमरास चेक हो चुके हैं, स्कैनिंग अभी जारी है, और एंट्री पॉइंट्स पर क्वेश्चनिंग भी. हमारे 40 से ज्यादा कांस्टेबल्स इस वक्त पूछताछ कर रहे हैं. ठीक है, और 10 ले लो, पर मुझे प्लीज जल्दी इन्फॉर्मेशन दो. वो लेके जाओ. पर इंस्पेक्टर अम्मा, कैन यू प्लीज. जय हिंद. जय. थैंक यू. सवाल ये तो है कि जावेद मुंबई कैसे पहुंचा, लेकिन सवाल उससे ज्यादा बड़ा यह है कि वो देश में कैसे घुसा और क्यों. देख कमांडर, मैं जब अपने ऑफिसर से बात कर रही हूं तो मुझे बीच में टोकने का नहीं. ओके, सॉरी. और ये जावेद है ना, वो देश में कैसे भी आया हो वो ढूंढना आपका काम है, मेरा नहीं. एक औरत गेम खेलते खेलते पाकिस्तान से इंडिया आ गई, ये तो साला टेररिस्ट है. और कुछ भी हो जाए ना, मुझे मेरे मुंबई को बचा दे. साले छिप कर आते हैं और मेरे शहर में छिप जाते हैं. You're right. अच्छा एक बात बताओ, अगर तुम्हारा काम 17 में हुआ तो तुम क्या करोगी? मेरे रिश्तेदार है वहाँ, उनको बोल दूंगी 2 मिनट में काम हो जाएगा. और अगर तुम्हें खुद जाना पड़े तो फिर वो काम इतना बड़ा होना चाहिए कि ब्लास्ट तो वो वहां से भी करवा सकते हैं. अच्छा एक बात बताओ कि इन कुछ दिनों में, कुछ हफ्ते में कुछ बड़ा फंक्शन होने वाला है, कुछ बड़ा इवेंट होने वाला है यहाँ पे. एक मिनट. एक क्रिकेट मैच है, एक फिल्म स्टार की शादी है, और एक वॉर हीरो का फेलिसिटेशन है. क्या? वॉर हीरो का फेलिसिटेशन. ग्रुप कैप्टन सुदेश की बात हो रही है क्या? एक बार देखना. हाँ, जो पाकिस्तान से वापस आया. और कब है ये इवेंट? कब है? 9 दिन बाद. जावेद का मेन टारगेट ग्रुप कैप्टन सुदेश हो सकते हैं. हमें ये पता लगाना होगा, और इनको लोकल क्या सपोर्ट मिल रहा है वो भी हमें देखना होगा. और अपने देश में ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो पैसों के लिए अपना ईमान बेच दे. बिल्कुल सही कहा तुमने। जब तक उनका कोई अपना ब्लास्ट में नहीं मर जाता तब तक वो पाकिस्तान की जय जय करते रहते हैं। वैसे जावेद ने अपने स्लीपर सेल्स को एक्टिवेट कर दिया होगा। तुम स्लीपर सेल्स के बारे में कुछ जानती हो यहाँ के लोकल? यस। बात समझ में नहीं आ रही कि कहीं जावेद स्वदेश के पीछे मुंबई तो नहीं आया? हाँ? एक मिनट। जयंत सर, हाँ सर, मुझे आपकी हेल्प चाहिए थी। सर, आप अपने सोर्स से पता लगा सकते हैं कि कुछ दिनों पहले बॉर्डर पे कोई हलचल हुई है? यू मीन इन्फिल्ट्रेशन? यस सर, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, कहीं से तो जावेद आया होगा। मैं पता करता हूँ। थैंक यू सर। जयंत सर। जयंत। रचना स्लीपर सेल्स के बारे में तो कुछ बोल रही थी। मुझे सारी लिस्ट चाहिए। साहब, कुछ दिन पहले अपनी बस्ती के लड़कों को एक आदमी ने काम पे लगाया। मोटा पैसा दिया साहब। उस पैसे को देख के कोई भी बोल सकता है कि काम झोल का है। कहाँ मिलेंगे लड्डू? वही मैदान में होंगे साहब। आराम का पैसा मिला सालों को। अब देखो पुलिस वाला आ रहा है। अरे भाग, चल भाग। साहब मारो मत साहब। साहब हमें गाड़ी चुराने के लिए बोले थे, हमें कुछ नहीं पता। कौन सी गाड़ी थी? कैसी गाड़ी? चल जल्दी बता, ये तो लंबा जाएगा तू। ज्यादा तो नहीं पता, लेकिन 9 दिन बाद कुछ बड़ा होने वाला है। हुजूर, कमांडर करण सक्सेना। कमांडर करण सक्सेना, एक काम कर। सामने। रचना, ये बर्नर फोन है, इसमें कुछ नहीं मिलने वाला, लेकिन इन लोगों को इन्फॉर्मेशन मिली है कि 9 दिन के बाद कुछ बड़ा होने वाला है, और ये लोग उनका चेहरा भी जानते हैं। स्केच आर्टिस्ट को बुलाओ और जल्दी से इनको लेके जाओ। तू बोले तो मार कर ले जाओ। क्यों? वो क्या है ना, रचना के पुलिस स्टेशन में मुर्दे भी बोलते हैं। क्यों? हेलो, वापस आऊंगा ना, घूमने जाएंगे, एकदम कपड़े उपड़े खरीदेंगे। हाँ, आएगी ना घूमने? बाला लव्स मिली। अपना लड़का है वो बाला। समुंदर कुछ नहीं रखता, बॉडी भी आ जाएगी। देखते रहना सब, नजर रखना। बच्चा है अपना, मिलना चाहिए वो। हुआ क्या ये? हाँ? पता नहीं, वो बाइक पे दो लोग आए और काम हो गया। मेरा संदेश दिया ना कमांडर को, एक नंबर। दिन के बाद कुछ बड़ा होने वाला है यहाँ पे। इनके पास जावेद का मैसेज है। जावेद ने बोला है एक आदमी को बचाना बहुत भारी पड़ेगा। उस एक आदमी के बदले जावेद हिंदुस्तान के हजारों लोगों की जान लेगा। आईएसआई के कुछ लोग पानी के रास्ते से मुंबई में घुस चुके हैं। उनका प्लान है स्वदेश पर हमला करना और इस सारे ऑपरेशन का मास्टरमाइंड है कर्नल नासिर खान। आईएसआई चीफ नासिर खान मुंबई में है।